नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता, हमारी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 दिनों का दीपोत्सव का त्योहार आज से शुरू हो चुका है। अभी हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर ज्योति नायडू, तो आइए उनसे जानते हैं कि दिवाली के दिन क्या करना शुभ होता है और लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि 24 अक्टूबर को दिवाली है, ऐसे में लोगों को बहुत रहता है कि किस मुहूर्त में पूजन करें, तो मैम दिवाली का क्या मुहूर्त है शुभ? देखिए, दिवाली जो है वो प्रकाश उत्सव माना जाता है। इसके 2-3 कारण होते हैं जो दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि श्री राम जी जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में लोगों ने दीप जलाए थे, तो वो हम अब भी करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल हम लाइटिंग भी करते हैं, लेकिन दीप जरूर जलाना है, ठीक है। एक और कारण होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब असुरों और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो महालक्ष्मी अमृत कलश लेके प्रकट हुई थी और उनको वो अमृत कलश देवताओं को मिल गया था और देवताओं ने उनकी पूजा की थी। तो उस समय जो समय था वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी, जो कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय से ये चला आ रहा है। अब लक्ष्मी जी को चंचल माना जाता है, तो लक्ष्मी जी की पूजा ऐसा कहा जाता है कि स्थिर लग्न में करनी चाहिए। स्थिर लग्न मतलब जो लग्न होते हैं उसमें राशियां होती है लग्न की, तो जैसे हो गई वृष, आपका सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लग्नों को स्थिर लग्न माना जाता है। लेकिन हम दिवाली में जो पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, वो शाम के समय करते हैं, तो उस समय 2 लग्न ही आते हैं, वृष लग्न और सिंह लग्न। उसमें जो वृष लग्न है वो शाम के समय आता है और सिंह लग्न होता है जो मध्य रात्रि को आता है। तो पूजा ज्यादातर जो की जाती है वृष लग्न में, और उसका जो स्वामी होता है वो शुक्र होते हैं, तो उस समय पूजा की जाती है। तो जो अभी जो मुहूर्त है, अभी जो हमको जो मिल रहा है, एक्चुअली जो अमावस्या है वो शुरू होगी 5:40 से, उसके पहले चतुर्दशी है। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी दर्शकों से कि चतुर्दशी में आप हनुमान मंदिर जाके उनके दर्शन जरूर करिएगा और शाम को आप दिवाली का पर्व मनाइए। तो एक जो मुहूर्त आ रहा है वो, मतलब ये मैं जो बता रही हूँ ये नागपुर और आसपास के इलाके के लिए है, क्योंकि हर एरिया में मतलब अलग अलग मुहूर्त हो जाता है, 5-10 मिनट का फर्क पड़ता है। तो अभी जो है वो पड़ेगा आपको 7 बजे से लेके 8:55 तक का, उस समय वृष लग रहा है, उस समय आप पूजा करिए लक्ष्मी माता की। और इसके अलावा जो एक रात का लग्न आता है जो कि सिंह लग्न होगा, वो 1:26 पे शुरू होगा और 3:35, यानी कि 1:26 AM टू 3:35 AM, यानी 25th अक्टूबर, वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 25th अक्टूबर स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें भी एक है कि सूर्य ग्रहण का सूतक चालू होगा, तो ये मैं आपको भी बाद में बताऊंगी। तो आप वृष लग्न में तो अच्छे से पूजा करिएगा, ये आप कर सकते हैं। मैम, इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है और क्या चीज नहीं करनी चाहिए? देखिए, जैसा हम सबको मालूम है कि लक्ष्मी माता को साफ सफाई बहुत पसंद है जी। तो हम तो बहुत पहले से ही साफ सफाई स्टार्ट कर देते हैं जी। तो घर पे साफ सफाई रखिएगा, घर में एकदम प्रसन्नता का वातावरण रहे, अपने मन में निगेटिव थॉट्स मत रखिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके अलावा उस दिन आप यानी पूजा जब करेंगे तो फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठ के करिएगा, है ना, और शुद्ध होके करिएगा। जैसे माँ लक्ष्मी जी के साथ में ना गणेश जी की भी पूजा करिए और कुबेर जी की भी पूजा करिए, तब जाके वो पूजा सक्सेसफुल होती है। और आरती जरूर करिए, क्योंकि कुछ पंडितों का ऐसा मत है कि आरती करने का मतलब होता है विसर्जन, और विसर्जन से भगवान चले जाएंगे, तो उनका कहना है कि वो लक्ष्मी माता भी चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी पूजा बिना आरती के कंप्लीट नहीं होती है, तो आरती ज़रूर करिएगा। और बाकी तो आपको जो विधि विधान है वो तो पता ही है, और शुद्ध वातावरण रखिए। और क्या नहीं करें, तो दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए, लाइक एक दिया जलाए आप फिर ऐसे ऐसे करके दिए जलाते गए, नहीं वैसा नहीं। या तो माचिस से जलाइए या फिर एक मोमबत्ती ले लीजिए, कैंडल, और उससे आप ऐसे लगाइए दिए। हर कोने पे रहने चाहिए दिए, यानी दिवाली के दिन क्या होता है, घर में अंधेरा नहीं रहना है हमारे। और स्त्रियों का अपमान मत करिए, मांसाहार मत करिए, मद्यपान मत करिए, और बस एकदम प्रसन्न चित्त होकर माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। मैम,
दिवाली कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी की दो बार पूजा क्या करनी चाहिए? हाँ जी, एक होती है जो आपको मैंने बताया शाम की पूजा, और एक होती है निशित काल मतलब रात की पूजा। ठीक है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी दिवाली के दिन भ्रमण के लिए निकलती है, तो वहाँ जिस घर में देखती है वो पूजा हो रही तो वहाँ वो रुक जाती है, ऐसा मानना है। तो इवनिंग की पूजा तो शाम की पूजा तो सभी करते हैं, जो आधी रात की पूजा है वो भी करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, सूर्य ग्रहण लग रहा है 25 अक्टूबर को, वो स्टार्ट होगा यानी इंडिया में जो बता रही हूँ 2:30 बजे से दोपहर को 25 की, तो इसका जो सूतक रहता है ये 12 घंटे पहले से लग रहा है। तो उधर यानी हमको क्या करना है कि कैसे भी करके अगर हम 1:26 से पूजा करना स्टार्ट करते हैं तो उसको 2:15 तक का फिनिश कर लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण के से क्या फर्क पड़ेगा इस पे। जी जी मैम, जैसा आपने बताया सूर्य ग्रहण दिवाली के एक दिन बाद लगने वाला है, यानी कि 25 अक्टूबर को। जी, तो मैम सूर्य ग्रहण से मतलब क्या ये हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रभाव? हाँ, देखिए ये आंशिक सूर्य ग्रहण है ना, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये दिखाई देगा इंडिया में और कुछ कुछ राज्यों में नहीं दिख रहा है, बट स्टिल हम जो मेजर पोर्शन है वो हमको दिखने वाला है। तो ये 2:30 बजे से शुरू होकर करीब करीब 6:30 तक का रहने वाला है। अब जैसे हमारे जो नागपुर के आसपास के एरिया है वहाँ पे उसका जो पीक बोलते हैं जो यानी चरम, वो 4:49 PM से आपका 5:39 PM तक का रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा था कि इसका सूतक जो है वो 12 घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे जब आप लक्ष्मी माता के सामने जब हम दीप जलाते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत देर तक चले, दूसरे दिन तक चलते रह जाए, मैंने अखंड जो होता है सपन बोल सकते हैं, बट इस बार अब सूतक लगने के कारण उसका कुछ यानी ये नहीं रह जाएगा, महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो तेल थोड़ा सा कम डालिएगा कि वो 2 बजे तक का मतलब 2 या 2:15 तक का वो दिया बुझ जाए। जी मैम, सूर्य ग्रहण का किन किन राशियों में प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा? एक्चुअली देखिए इसके लिए तो बहुत बृहद विषय है, इसके लिए एक अलग से कार्यक्रम करना पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण हो रहा है तुला राशि और नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र है, तो मैं बोलूँगी सबसे ज्यादा जो सावधान है वो तुला राशि को रहना है और जिनका स्वाति नक्षत्र है उनको रहना है। और उस दौरान जो सावधानियां बरतनी है, देखिए जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बीमार हैं उनके लिए तो क्या होगा कि वो खाना नहीं खाएंगे तो ऐसा चल नहीं सकता, उनको जो खाने की चीजें हैं उसके ऊपर तुलसी या कुशा, बाकी लोग भी कर सकते हैं कि खाने की चीजों पे तुलसी या कुशा डाल दीजिए। और जब इस दौरान आप ट्रैवल करने से बचिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, गायत्री मंत्र का जाप करिए और मेडिटेशन करिए। और कई बार हमारे कुछ गुरु होते हैं, उस गुरु मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, इस दौरान सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में आप स्नान करिए, दान दीजिए, तो इसके लिए ये ग्रहण फिर उसके जो दुष्प्रभाव है वो थोड़े से कम होंगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, मैम आप दिवाली पर हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि बस प्रसन्नता से ये त्योहार सेलिब्रेट करिए, दूसरों को दुख मत पहुंचाइए, शुद्ध होकर माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और बस खुश रहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, इन तीनों की पूजा करिए और हो सके तो विष्णुवे नमः या बार बार जरूर बोलिएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता की जब पूजा करते हैं तो विष्णु जी को भी याद किया जाता है, तो ये जरूर बोल दीजिएगा। नए कपड़े पहनिए हो सके तो, नहीं तो साफ सुथरे कपड़े पहनिए। और बाकी तो सब घर में अपने मिष्ठान तो बनते ही हैं, तो मिष्ठान खाइए, खुश रहिए, पटाखे फोड़िए। तो दर्शकों ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर ज्योति नायडू, हम फिर हाजिर होंगे हमारी खास मुलाकात।